पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल जी अचानक मसौढ़ी पीएससी का निरीक्षण किए और यहाँ जो पीएससी के जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को देखकर वो काफ़ी खुश दुखे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएससी मसौढ़ी रामबाण औषधि है। साथ ही साथ पीएससी प्रभारी डॉक्टर अमरेंद्र सिंह की भी काफ़ी जमकर तारीफ की। अचानक आपका दौरा हुआ, क्या पाए हैं सर? हम पीएससी मसौढ़ी में ही अचानक नहीं गए बल्कि धनरुआ पीएससी में भी गए थे, इसके पहले और कई जगहों पर गए थे। तो मैंने यहाँ देखा, मैं थोड़ा विलम्ब से आया हूँ, लेट हो गया घूमते घूमते। तो लोगों से जब मैंने पूछा तो संतोषजनक काम यहाँ हो रहा है, वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, ख़ासतौर पर वैक्सीनेशन का काम देखने आए थे। और कुछ कमी है जिसकी जानकारी इन्होंने मुझको दी है, तो मैं सरकार के से अनुरोध करूँगा उस कमी को दूर करिएगा, क्योंकि पीएससी मसौढ़ी बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और इतनी बड़ी आबादी है, न सिर्फ टाउन का बल्कि अगल बगल का जो ग्रामीण इलाका है, और सबके लिए कोई रामबाण का काम करता है तो मसौढ़ी का पीएससी ही काम करता है। डॉक्टर की संख्या यहाँ पर 5 है, एनएम है, इससे कंसर्न जो असिस्टेंट मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी कंट्रोल होता है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैंने कहा है थोड़ा और मोटिवेट कीजिए और डिफरेंट इलाके में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ उपस्थिति थोड़ी कम हो रही है वहाँ मोटिवेट करके लोगों को ला करके अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष अनुरोध किया था हम सब लोगों को, सभी लोगों को, कि इसको उत्सव के रूप में मनाया जाए, तो ये कार्यक्रम आज संपन्न भी हो रहा है और उसी को मैं लगातार 4 दिन से हर अपने क्षेत्र के हर इलाके में जा करके देख रहा हूँ और जो कमी भी है उसको भी देख रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत है उसको भी देख रहा हूँ और सब सरकार के पर को सर, ये पीएससी मसौढ़ी है, मरीजों की संख्या यहाँ काफ़ी रहती है, इसको ध्यान रखते हुए यहाँ कम से कम 100 बेड की व्यवस्था की जाए सर? अभी मेरी जानकारी आम जन से हुआ है और मैं समझता हूँ कि जिस पर इतना लोड है अभी तो 6 बेडेड पीएससी होता है तो ये नाकाफ़ी है यहाँ को संभालने के लिए। खासतौर पर डिलीवरी या जो पीएससी का दायित्व तो है उसको निर्वहन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। तो प्रभारी जी ने मुझे आग्रह किया है और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी आग्रह किया है, तो इसके संदर्भ में सरकार से बातचीत करके इसका निदान करने की कोशिश करूंगा। वैक्सीन दो होते हैं, कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन। हाँ। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि कोवैक्सीन जो है अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है पीएससी मसौढ़ी को, सर कब तक उपलब्ध कराया जाएगा? कोविशील्ड तो है, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन है, उपलब्ध हो गया, उपलब्ध हो गया। बीच में कमी थोड़ी हो गई थी, मगर सरकार, केंद्र सरकार ने उसको संज्ञान में लिया और राज्य सरकार ने पहल करके अब पर्याप्त संख्या में डोज मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि तत्पश्चात सांसद महोदय अनुमंडलीय अस्पताल का भी निरीक्षण किए, जहां पर जहां की जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था से काफ़ी असंतुष्ट दिखे तथा उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, काफ़ी लचर व्यवस्था है, जिसको देखकर उन्होंने उपस्थित जो डॉक्टर थे जीएनएम थी उनसे पूछताछ किया तो उन लोगों ने गोल मटोल जवाब दिया। मैं बता दूं कि अनुमंडलीय अस्पताल में 22 पोस्ट सेंक्शन है जिसमें मात्र 12 डॉक्टर पोस्टिंग हुई है, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि रामकृपाल यादव द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो हम मात्र 1 डॉक्टर और 3 जीएनएम उपस्थित थे। इतना बेड का हॉस्पिटल है अभी आप 100 बेड का, सब कौन कौन सा इलाज होता है? नहीं बता, सब चीज़ का ऐसे इलाज होता है मगर पेशेंट को रखा नहीं जाता है। और पेशेंट को रखते नहीं है, रेफर कर देते हैं हायर सेंटर में। यहाँ रखने का व्यवस्था नहीं है। 100 बेड क्या होता है, खाली डिलीवरी मतलब ऑब्जर्वेशन में 2-4 घंटा रखा जाता है, ज़्यादा सीरियस अगर है तो उसको भेज देते हैं। ठीक है, करूँ तो प्रभारी हैं आप? कौन प्रभारी? संगीता आर्मी चली गई। हाँ, अभी डॉक्टर में आप हैं?
और कौन है? अभी आया नहीं। कैसे डॉक्टर हैं? दो टोटल कितना डॉक्टर हैं? चार पहले के अपेक्षा के वहाँ स्टाफ जो कमी था, संसाधन की कमी थी। मैं पिछले साल भी जब कोविड के अवसर पर ही मैं पूरे हॉस्पिटल और पीएससी का मुआयना किया था, तो वहाँ और उसके पहले भी मैं जाता रहा हूँ, तो जो कमी थी उस कमी को दूर किया गया है। अभी भी जो कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास सरकार करेगी, मगर अगर जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे डॉक्टर हों या अन्य स्वास्थ्यकर्मी हों, अगर वो काम नहीं करेंगे तो ये भी शिकायत सरकार के पास होगी। सर एक सवाल और सर। हाँ बिल्कुल, इससे अलग हटके सर, अभी आपको आपने भी देखा होगा टीवी पर, अखबार में देखा होगा कि जिस तरह से पटना पीएमसीएच में एक डॉक्टर के द्वारा लापरवाही बरती गई, उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, डॉक्टर तो इस चैलेंज को बहुत कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव काम किया है और ये स्वागत के योग्य हैं, ये सम्मान के योग्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और अन्य सभी लोगों ने इन लोगों को सम्मान दिया है, मगर वो लोग जो अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, जिससे वहाँ के जो व्यवस्था है उसमें मरीजों को असुविधा हो रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। मैं एक मामला आया था सर, आपको भी जानकारी होगी सर, कि जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा, ये हाँ, उस पर जाँच चल रहा है ना। सेक्रेटरी भी गए थे वहाँ, स्वास्थ्य सचिव भी गए थे, ये बहुत गंभीर मामला है और इसको यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, गड़बड़ी करने में कमी किए होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल सर, पीएमसीएच, आखिर कैसे विश्वास करेगी जनता? जनता, अरे सुनिए, हर रोज तो ये काम नहीं हो पाता है, लापरवाही तो है ना सर? लापरवाही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, छोड़ दी गई थोड़े सरकार। ऐसे लापरवाह लोगों को सरकार न छोड़ी है न छोड़ेगी, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। तो माननीय सांसद महोदय देखबे किए कि मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति क्या है। इतना बड़ा अस्पताल है, इतना डॉक्टर है, एक भी पेशेंट यहाँ नहीं है। आप मसौढ़ी में चलिए, किसी भी छोटा मोटा डॉक्टर के यहाँ 10 को पेशेंट गिर रहा होगा, पड़ रहा होगा। यहाँ कोई पेशेंट आता है, यहाँ के पदाधिकारी एगो पुर्जा लेके रखे रहते हैं कि जल्दी से आप पटना पीएमसी अब चले जाइए, यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। और मैंने सांसद महोदय को बहुत बार कहा है कि इस अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति सुधारिए, मसौढ़ी एक गरीब जगह है, गरीब लोगों का इलाज होगा। सरकार के पास भी मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट किया है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूरे देश, पूरे बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है, मौतों की खबरें भी आ रही है। मैं मौजूद हूँ मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में, इस अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। क्यों आए थे हम? कोरोना का सुई दिलाने के लिए। हो गया? हाँ। कोई दिक्कत तो परेशानी ना? अभी तो कोई दिक्कत ना। इंजेक्शन दिवाली है जी। किस चीज का इंजेक्शन दिलवाया जी? किस चीज का इंजेक्शन दिलवाया आपने? कोरोना का दिलवाया। कोविड-19 का सुई दिलवाने के लिए है। कहाँ का हुआ? राधे सिंह। क्या नाम हुआ? मधुमाला कुमारी। सुई दिया ना कोरोना? कोरोना का सुई दिया है। कहाँ, क्या नाम हुआ? ममता देवी। क्या है? सुई दिलाने के लिए। सुई दिलाने के लिए किस चीज का? कोविड-19। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? सुई दिलाने के लिए। किस चीज का? कोविड-19। कहाँ का हुआ? नीमा। क्या नाम हुआ? कांति देवी। लोगों के अंदर ये खौफ है कि कहीं ना कहीं अगर ग्रसित कोरोना से हो गए तो निश्चित रूप से ये कष्टदायी होगा। ऐसे में ये जो लोग हैं, ये लोग जागरूक हैं और ये अच्छी बात है, खासकर अनुमंडलीय स्वास्थ्य विभाग जो है इसके प्रति भी गंभीर है, क्योंकि ये मामला जो है, ये मामला बहुत ही भयानक है। क्योंकि अगर इन हादसों से उबर जाते हैं लोग तो निश्चित रूप से कोरोना पर एक विजय होगा और इस विजय के लिए लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार
यहाँ तक कि पूरे मेडिकल टीम जो है वो मेडिकल टीम लगातार प्रयासरत है कि मसौढ़ी में शायद ऐसी कोई बुरी खबरें न आए।